नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूं और आज 4 नवंबर 2022 शुक्रवार है। आज हम निफ्टी के चार्ट को देखकर ये समझेंगे कि बाज़ार में अगला रुख क्या बन सकता है, या यूँ समझ लें कि मैं किस तरह से ट्रेड करना चाहता हूं। ये एक ज़ीरो लाइक मूविंग एवरेज है। इस मूविंग एवरेज के साथ निफ्टी के चार्ट को हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। अब ये मूविंग एवरेज घूम कर 14 तारीख अक्टूबर को ऊपर की तरफ गया। ये ऊपर की जो चाल मूविंग एवरेज की थी ज़ीरो लेग की, जो हमको बता रहा है कि बाज़ार में ऊपर का ट्रेंड है और ये यूँ समझ लें कि तेज़ी का ट्रेंड है, ये बरकरार है, ये वही है। ये मूविंग, ये ज़ीरो लेग नीचे घूमकर पलट कर नहीं देख रहा है। जब तक ऐसा है तब तक कोई कारण नहीं है कि हम मंदी में आए। और अगर हल्का सा करेक्शन होता भी है, जैसे यहाँ पर हुआ एक तेज़ी के बाद, तो इसको करेक्शन ही माना जाना चाहिए। अगर ये मूविंग एवरेज कोई स्तरों को, प्राइस कोई स्तरों को तोड़कर नीचे आने लगेगा, तब हम सोचेंगे कि मूविंग एवरेज एवरेज भी नीचे आ रहा है, ज़ीरो लैग मूविंग एवरेज, और लेवल्स भी टूट रहे हैं, इसलिए शायद लंबा करेक्शन आ गया है। ऐसी अवस्था अभी हुई नहीं है। बाज़ार में रुख तेज़ी का है, तेज़ी में करेक्शंस आते हैं। ये देखिए, ये बड़ा करेक्शन आया है, यहाँ एक करेक्शन आया है, फिर ये एक करेक्शन है, ये हाई और लो के बीच का करेक्शन है। तो करेक्शंस तो आते ही जाते हैं, इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि हम रुख के साथ चल रहे हैं, और रुख अभी तक तेज़ी का ही है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए यही रुख बना हुआ है। वो स्तर कौन सा होगा जिसके नीचे जाने के बाद हम प्रश्न चिन्ह लगाने लगेंगे? शायद 17,800 तक। तो ये 17,800 है, 17,800 तक तो कोई प्रश्न चिन्ह लगता नहीं है। इसके बाद ये सपोर्ट अगर टूटने लगेगा और साथ में मूविंग एवरेज नीचे घूमेगा, तो हम सोचेंगे चलो कोई करेक्शन आ रहा है, चुप बैठ जाओ। अब देखते हैं अगले कुछ दिनों में बाज़ार का रुख कैसा रहता है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। गुड मॉर्निंग, आई एम सुदर्शन सुखानी एंड टुडे इज़ 4th नवंबर 2022 फ्राइडे। वी आर गोइंग टू लुक एट द ज़ीरो लैग मूविंग एवरेज विच आई यूज टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑन द डेली चार्ट ऑफ द निफ्टी। I have shared this chart, I mean with this zero lag many times earlier. Let's look at the recent message that the zero lag is giving. On 14th October, and this is 14th October, the zero lag turned up and telling us that the trend has moved up. This trend has not been disturbed so far. Now this, there have been many numerous minor corrections in between 1, 2, 3, and now the fourth correction. For each of these corrections, the market has had some kind of a setback but has recovered again. The zero lag tells us that these are only corrections because the trend continues to be moving up. Now, at some point, the correction will come into play when the zero lag turns down and some support levels are broken. As of now, I think 17,800, which is this support is significant. So far as the Nifty remains above zero, above 17,800, and the zero leg is rising, I don't think the uptrend is in any kind of difficulty. If both of these events happen, then clearly we are entering into a deeper correction and we have to revise and revisit our trading strategy then. Till then, we try to be long on dips, long on breakouts, and avoid any kind of short positions. Thank you for watching this video. Jai Hind.